बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद से उनकी तलाक की अटकलें तेज हो गई हैं। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान है। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो तलाक ले रही हैं। दरअसल अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने नाम से प्रियंका चोपड़ा जोनस की जगह अब प्रियंका चोपड़ा लिख दिया है। जोनस सरनेम हटाने से तलाक की बातों को हवा मिल रही है। प्रियंका चोपड़ा के जोनस सरनेम हटाने से सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रियंका के इस कदम से उनके फैंस भी हैरान हैं। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रियंका चोपड़ा ने अपने नाम के आगे से जोनस सरनेम को हटाने का फैसला क्यों लिया। प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वहीं आए दिन पति निक जोनस संग अपनी नई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा के इस कदम से लोग हैरान हैं। फिलहाल अपने नाम से जोनस सरनेम हटाने को लेकर प्रियंका चोपड़ा या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई भी कमेंट या फिर आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से 1 दिसंबर 2018 को शादी की थी। इस हिसाब से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को 1 दिसंबर को 3 साल होने वाले हैं। अभिनेत्री ने निक संग हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति रिवाज से शादी की थी। ये शादी जोधपुर के उम्मीद भवन पैलेस में धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद प्रियंका ने दिल्ली और मुंबई दोनों जगह रिसेप्शन पार्टी भी दी थी, जिसमें बॉलीवुड से लेकर राजनीति और खेल जगत के कई सारे सितारे शामिल हुए थे। लेकिन इस सबके बीच इस घटना ने उनके फैन समेत सभी को हैरान कर दिया है। उनके इस कदम से सभी कंफ्यूज हो गए हैं। तो साथ ही दोनों के रिश्ते को लेकर भी हर कोई सवाल कर रहा है। ये बात थोड़ी अटपटी इसलिए भी है क्योंकि अपने एक इंटरव्यू में पीसी ने अपने सरनेम बदलने की बात कही थी। उन्होंने हंसते हुए कहा था कि उनके और निक के बीच इसको लेकर एक प्रॉपर डिस्कशन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे जोनस लगाने का फैसला लिया था। लेकिन अब अपनी एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले ही पीसी ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद से उनकी शादी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रियंका ने इस पर ना तो कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही इस मामले पर अभी तक कुछ कहा है, लेकिन लोगों के बीच चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि उन्होंने अपने नाम में बदलाव क्यों किया। कयास ये भी है कि मैरिज एनिवर्सरी से ठीक पहले उनका ये कदम किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, जिसका ऐलान भर करना बाकी है। आपको बता दें कि सोमवार को ही प्रियंका के नए हॉलीवुड प्रोजेक्ट की रिलीज डेट की घोषणा हुई है। मैट्रिक्स सीरीज की नई फिल्म 22 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने जा रही है। इसके अलावा भी प्रियंका के पास कुछ हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं। प्रियंका के फैंस इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि हाल ही में साउथ इंडियन एक्ट्रेस समांथा ने भी अपने नाम के आगे से अक्कीनेनी सरनेम हटाया था, जिसके बाद से ही उनके नागा चैतन्य से तलाक की खबरों ने जोर पकड़ा था। तो वहीं मलाइका अरोड़ा ने भी अपने पति अरबाज खान से तलाक के पहले इंस्टाग्राम अकाउंट से खान सरनेम हटा दिया था। ऐसे ही बीटाउन के कई सेलेब्स हैं जिन्होंने रिश्तों में अलगाव से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सरनेम और फोटो हटाए हैं। लेकिन इस बीच उनकी मां मधु चोपड़ा ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए प्रियंका और निक की तलाक की अफवाहों को बकवास और गलत बताया है। एक्ट्रेस की मां ने लोगों से अपील भी की है कि वो इस तरह की अफवाहें ना उड़ाएं। मधु चोपड़ा के प्रियंका की तलाक की अफवाहों को गलत बताने के बाद एक्ट्रेस और निक के फैंस ने राहत की सांस ली है। हालांकि फैंस अभी भी स्टार कपल के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं।